आपको दावत दी है शॉर्ट नोटिस में, अभी शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का। मैं दो समन्स की कॉपी आपको प्रेस को आज दे रहा हूँ। ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कलकत्ता से आई है और ये दो समन्स हैं, एक है शेख इमरान के नाम और दूसरी समन है संदीप मावा के नाम। इन दोनों को 6 जून 2023 को कलकत्ता में अपने आप को पेश करना है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने। इन्होंने फॉल्स और डेरोगेटरी एलिगेशंस मेरे ऊपर दी थी जब यहाँ पे वो एनक्रोचमेंट का केस हुआ था नीडोज का, और उसके बाद बड़ी वेनमस स्टेटमेंट्स दी थी हमारे बारे में। बगैर फैक्ट को चेक किए उन्होंने कागजात दिखाए थे और ये भी कहा था कि जो मैं कागजात वहाँ पे दिखा रहा हूँ वो कागजात सब जाली हैं, बोगस हैं, और मैंने और मेरी फैमिली ने ये लैंड माफिया हैं। और उसके साथ साथ बहुत ही नाजायज़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे उनने भी और संदीप मावा ने भी। और ये उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे 1 फरवरी जो लोड हुआ था, 6 फरवरी को मावा साहब का, और शेख इमरान साहब ने 1 फरवरी को दिया था कश्मीर क्राउन में, जो लगभग 8 लाख लोगों ने हिंदुस्तान में देखा था। और बाबा साहब का इंटरव्यू शायद 2 लाख 3 साढ़े 3 लाख लोगों ने देखा था, जो न्यूज़ इनसाइडर और टाइपराइटर में आया हुआ था। सो इसमें ये उनने कोशिश की थी करना, क्योंकि मैंने कलकत्ता में ये केस क्यों किया, क्योंकि मेरा काम पिछले 30-35 साल 40 साल से कलकत्ता में उसका हेडक्वार्टर है, और ये सब देख के जितने भी मेरे मुलाजमीन हैं, मेरे एसोसिएट्स हैं, उन्होंने मुझसे भी रब्ता किया कि ये क्या बात है, क्या आप लोग वहाँ के जम्मू कश्मीर के लैंड माफिया हैं? इस तरह से बातें आज हम देख रहे हैं, पूरे टीवी में आपके ऊपर ज़बरदस्त इल्ज़ाम लगाए गए हैं। सो हमने फिर ये मुनासिब समझा, क्योंकि ये डिफेमेशन का मामला बनता है और ये फॉल्स एलिगेशन हैं, इसकी सज़ा बहुत ही ख़तरनाक होती है। अपने जो जैसे इमरान साहब ने बातें की थी कि ये बुलडोज़र ताल्लुक़ है इस लैंड से, ना कोई बात ही है, ना मुझे पता है कि ये 40 कनाल कहाँ है और क्या है, जो सरकार ने ये वहाँ पे कार्रवाई की थी और हमारा नाम सामने लाया था। और चूंकि मैं उस वक्त वहाँ दिल्ली जा रहा था और मैं सामने उस वक्त आ गया, तो उन्होंने कहा कि शायद हमारा ही सब कुछ है। सो उसके अलावा अब मसला ये है इनका, और खुसूसन इनका अपने इसमें से ये बिलीव कराया गया लोगों को यहाँ पर भी और पूरे हिंदुस्तान में कि हमने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं ज़मीन के। और जहाँ तक मावा साहब का ताल्लुक है, वो ऐसी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बारे में, हालांकि मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मैंने कभी उनसे हाथ तक नहीं मिलाया आज तक। आई डोंट नो हिम हु इज़, आई हैव नो आइडिया। नाराज़ हुए हमसे कि सर मुजफ्फर शाह साहब, आप इतनी बड़ी कंपनी यहाँ से 40 साल से चला रहे हैं, जिसका इतना बड़ा नाम है, आपका अपना नाम है, अपने बाप का नाम है, अपने नाना का नाम, ये क्या बात है? सो हमने मुनासिब समझा, हमारी कंपनी का बोर्ड बैठा, उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से तो नहीं चलेगा, और इनको बिस्मिल्लाह करके हमने कंप्लेंट दायर कर दी अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ IPC, क्योंकि मेरी कंपनी का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। पूरी दलील सुनकर मैं खुद गया वहाँ पे 2 बार और कंप्लेंट रजिस्टर हुई, और कल जब हमारी ANC का सेशन चल रहा था उसी वक्त ये मुझे इतला आई कि ये 6 तारीख को इन दोनों साहब को कलकत्ता चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपने कागजात लेकर आना पड़ेगा, जो वो दिखा रहे थे कि ये जाली है और ये क्या है,
और ये कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर कानूनन चलेगी और मुझे उम्मीद है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी 6 जून को, क्योंकि इसमें सज़ा बड़ी बड़ी इबरतनाक है, ये मामूली चीज़ नहीं है। और इसलिए हमने ये क्यों किया, क्योंकि आजकल जिसको मर्जी होती है सोशल मीडिया को सामने लाकर या खुद अपना इंटरव्यू देकर उसको चला देते हैं पूरे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, बगैर सोचे समझे, बगैर फैक्ट्स को चेक किए, और डिफेमेशन हो जाती है लोगों की, फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं। और इनमें ये बड़ी बहुत ही बड़ा नुक्स है। शेर कश्मीर इस दुनिया में नहीं है, मेरी नानी इस दुनिया में नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे लोगों का ज़मीर मर गया है और हम चुप करके सुन ले। और इनको अब बाज़ाब्ता तौर पर अपना जो इनने ये बात की है वहाँ पर प्रूव हो जाएगा कि ये सब बकवास है। सो लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड आई एम श्योर दे विल गेट पनिशमेंट विच विल बी वेरी सीवियर। और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी जो मेरी लीगल टीम वहाँ पर है मेरी कंपनी की, कि वो कोशिश करेगी कि फास्ट ट्रैक पर इसको लिया जाए और 1-2 महीने को अंदर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वी विल रिसीव द ऑर्डर ऑन, और देखेंगे कि क्या इनको पनिशमेंट मिल जाएगी। सो कहते हैं आवाम में, और मैं तो हैरान हूँ कि वो कैसे डॉक्यूमेंट्स ले बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं 113 कनाल के, ये सब इसमें जो उन्होंने बातें की हैं अपने इसमें टीवी चैनल, इसमें आपके इन चैनल्स के थ्रू, हर एक एक सेंटेंस का हमने वापस जवाब दिया है और जो कोर्ट के सामने हमने दिया, तभी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वॉज काइंड एनफ टू इमीडिएटली प्राइमा फ्रेशी केस ये एस्टेब्लिश हो गया और उन्होंने डेट फिक्स कर दी बहुत जल्दी, हालांकि अभी ये 10-15 दिन भी नहीं हुए थे और 6 जून का डेट उन्होंने दे दिया, उनको लाइए यहाँ पर, और अगर जिस तरीके से ये मामला बना है ये प्रूव हो जाता है तो एक इबरतनाक सज़ा इस पर दीजिए।